नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार लगातार अपनी अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन में लगे हुए हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ सकती है। YRF ने 29 मई 2022 को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। एडवांस बुकिंग के मामले में सम्राट पृथ्वीराज को अच्छी शुरुआत मिलने की पूरी उम्मीद है। ट्रेड्स के मुताबिक फिल्म की 20 लाख टिकट बिक चुकी है। फिल्म ने रिलीज होने से पहले 10 से 12 करोड़ रुपए केवल एडवांस बुकिंग से कमा लिए हैं। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि पहले दिन 15 करोड़ रुपए का बिजनेस करने में कामयाब करेगी। वहीं दूसरी ओर ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 के पहले दिन के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बता दें कि अक्षय कुमार को उम्मीद है कि पूरे भारत में माता पिता अपने बच्चे को सम्राट पृथ्वीराज दिखाने के लिए ले जाएंगे। अक्षय ने कहा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन प्रेरणादायक है। वे जिन मूल्यों के लिए खड़े थे, उन्होंने जिस साहस का प्रदर्शन किया, उनके दिल में जो पवित्रता थी और मातृभूमि के लिए उनका जो प्यार था, वो उन्हें एक असाधारण इंसान बनाता है। वो एक महान उदाहरण है कि एक भारतीय को क्या होना चाहिए। वो केवल सत्य और सम्मान और न्याय के लिए खड़े होने के लिए जीवित रहे। और मुझे लगता है कि ऐसे गुण हैं जिन्हें हम सभी को अपने जीवन में बनाए रखने की जरूरत है। बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता पर आधारित है। इस फिल्म से पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। फिल्म में मानुषी को पृथ्वीराज की राजकुमारी संयोगिता की भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फिल्म में संजय दत्त और सोनू सूद भी अहम रोल में हैं। 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। इन दोनों साउथ की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। ऐसे में अक्षय के पृथ्वीराज से बॉलीवुड को काफी उम्मीदें हैं। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो फिर से बॉलीवुड के अच्छे दिन आ जाएंगे। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि 3 जून को ये फिल्म थिएटर्स पर क्या धमाल मचाती है। आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।